भविष्य के सभी अध्यापक साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। दोस्तों, अभी हम शुरू कर चुके हैं क्लास 4 की एनसीईआरटी की ईवीएस। ठीक है, अभी हम इससे पहले 6 वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं कक्षा 3 की एनसीईआरटी को, जो कि ईवीएस सब्जेक्ट की थी। अब हम शुरू करने वाले हैं क्लास 4 की एनसीईआरटी, और क्लास 4th की एनसीईआरटी में काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। और इन जब मैं कवर कर दूंगा ये सारी एनसीईआरटी ईवीएस को, इसके बाद में पूरी एनसीईआरटी ईवीएस की समरी लेकर आऊंगा। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है। सभी जो भी मैं कोर्स कवर कर रहा हूँ, यानी कि एनसीईआरटी ईवीएस कक्षा 3 के लिए अलग प्लेलिस्ट है, एनसीईआरटी ईवीएस कक्षा 4 के लिए अलग प्लेलिस्ट होगी। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी बुक्स का जो पेज नंबर जो चैप्टर नंबर 3 खोल रखा है, और इस तीसरे चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं। आज हम जानेंगे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर 5 के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो चैप्टर 3 है, पार्ट 3 है, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खा सकता है या फिर झाड़ियाँ खा लेता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में कितनी किलोग्राम झाड़ी खा सकता है या फिर पत्ते खा सकता है, 100 किलोग्राम। ठीक है, हाथी बहुत कम आराम करता है, तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, पिछली बार भी एक प्रश्न आया था आपके हाथी से, तो इस बार भी मतलब संभावना रहती है कि ये सारे पॉइंट से ही आपके प्रश्न बनते हैं कि सबसे जो हाथी होता है वो बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो हाथी की ये कुछ विशेषताएं हैं जहाँ से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। हाथी को पानी कीचड़ से खेलना पसंद भाता है, तो मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट उसकी विशेषता है हाथी की, कि हाथी है, हाथी को किस चीज़ से ज़्यादा खेलना पसंद होता है, कीचड़ और पानी से। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है, वह उसके कान भी पंख की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर वह हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ठीक है, तो ये भी उसकी एक विशेषता है कि गर्मी लगने पर हाथी क्या करता है, अपने कान हिलाकर जो जो कान है उससे हिलाकर अपनी हवा करता है। तो ये कुछ हाथी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज और है कि जैसे नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तो मतलब यहाँ से ये पता लगता है कि जो हाथी छोटा हाथी होता है उसका वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था पिछली बार, तो इसलिए इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ। जो छोटा हाथी होता है उसका जो वजन है वो केवल 200 किलोग्राम होता है, और बड़े हाथी लगभग 100 किलोग्राम तक पत्ते खा जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पूरा चैप्टर हाथियों से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए, तुमने पढ़ा है कि नंदू हाथी अपने झुंड में साथ रहना पसंद, यानी कि जो छोटा हाथी होते हैं, छोटे हाथी, वो झुंड में रहना पसंद करते हैं, तो ये भी एक विशेषता है। और इसके अलावा हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही होते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये जानने को मिला कि हाथियों का जो झुंड होता है उसमें कौन होता है, केवल हथिनियाँ और बच्चे, हाथी कभी झुंड में नहीं रहता है। ठीक है, झुंड के सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, झुंड में सबसे जो बुजुर्ग हथिनी होगी, सबसे बड़ी होगी, वो क्या होगी, झुंड की नेता। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे हो सकते हैं, यानी कि एक झुंड में अगर बात करें तो कितने हाथी और बच्चे होते हैं, तो 10 से 12 याद रखेंगे। ठीक है, हाथी 14-15 साल तक ही इस तरह झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि जो हथिनियाँ हैं, बच्चे हैं, वो 14 से 15 साल तक तो झुंड में रहते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14 वर्ष का हो जाएगा तो अपना झुंड छोड़ देगा। यानी इसका मतलब ये है कि नंदू क्या है, जो मेल हाथी है, ठीक है, जो हाथी है, हथिनी नहीं है, जो झुंड में ज़्यादातर रहती हैं वो हथिनियाँ और बच्चे होते हैं, लेकिन जो नंदू है वो छोटा है, तो इसका मतलब 14-15 साल बाद वो बड़ा हो जाएगा तो झुंड को छोड़ देगा। ठीक है, तो ये मतलब विशेषताएं हाथियों की जो आपको याद रखनी है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ से अगर हमें मिलता है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये थर्ड क्लास के वो है, ठीक है, सॉरी सॉरी फोर्थ क्लास की थर्ड चैप्टर है ये, तीसरा पार्ट है फोर्थ क्लास का। ठीक है, तो यहाँ जो तीसरा चैप्टर है, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हाथियों के बारे में जानकारी मिली है। अब बढ़ते हैं हम फोर्थ चैप्टर की तरफ। ठीक है, अच्छा, एक और पॉइंट है यहाँ पर कि हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये भी हाथियों की एक विशेषता है कि जब हाथियों पर कोई विपत्ति आती है या फिर वो परेशान होते हैं, तो अपने साथियों की वो मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ये भी एक विशेषता है हाथी की जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए, थर्ड चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, मैं चलता हूँ फोर्थ चैप्टर की तरफ। और ये जो फोर्थ चैप्टर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है। देखिए, इसमें जो कहानी है, कहानी बताई गई है, मैं यहाँ पर इसको शुरुआत में आपको दिखा देता हूँ।
अमृता की कहानी, ठीक है, ये आपने सुनी होगी। अमृता की कहानी मतलब 300 साल पुरानी कहानी है ये, और ये राजस्थान के जोधपुर में एक जो खेजड़ली गांव है था, तो वहां पर आपने देखा होगा वहां पर क्या हो गया था कि जो चिपको आंदोलन था पेड़ों से चिपकने वाला, उसमें लगभग 250 से 300 लोगों ने जान दे दी थी। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, और ये सच्ची घटना है एक, तो इसलिए यहाँ से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर देखते हैं, मतलब ये वो कहानी है जैसे उसके घर की तरफ जो कुछ एक राजा रहता था, उसने पेड़ काटने की अनुमति दे दी थी, तो कुल्हाड़ी ले लेकर लोग आ गए थे और उन्होंने चिपक चिपक कर पेड़ों से अपनी 300 लोगों ने जान दे दी थी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो राजा था, गांव वालों का गहरा असर पड़ा था कि वहाँ पर कई सारे लोग मर गए थे, तो वहाँ के जो लोग हैं वो विष्णुई कहलाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो राजस्थान के जयपुर, राजस्थान का जो एरिया था वहाँ पर जो लोगों ने पेड़ों से चिपक कर जान दी थी वो लोग क्या कहलाते हैं, तो वो लोग विष्णुई कहलाते हैं। अब यहाँ पर जिस पेड़ के लिए जान दी थी उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये रहा, देखो ये वो जो पेड़ था जिसके लिए जान दी गई थी वो था खेजड़ी। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में, तो एक रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, एक रेगिस्तानी पेड़ है सबसे पहले खेजड़ी वृक्ष की ये विशेषता है। इससे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इस पेड़ की छाल दवा के काम में भी आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो खेजड़ी नामक पेड़ होता है वहाँ के जो लोग हैं वो विष्णुई कहलाते हैं। ये रेगिस्तानी इलाकों में होता है, पेड़ की छाल होती है, इससे दवाएं बनाई जाती हैं और इस पर कभी लकड़ी लकड़ी इस लकड़ी पर कभी कीड़ा नहीं लगता है, तो ये इसकी खासियत है। इस पेड़ की फलियों में सब्जी भी बनाई जाती है, इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। मतलब ये कुछ विशेषता है, बहुत अच्छा पेड़ था खेजड़ी का पेड़, तो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, बस इतना याद रखिएगा आप। चलिए अब यहाँ मैं आप बताता हूँ क्लास 5, वो सॉरी चैप्टर 5 की तरफ। ठीक है, अभी कक्षा 4 के ही चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं हम, और मैं यहाँ पर बढ़ चुका हूँ चैप्टर नंबर 5 पर। देखिए यहाँ पर ये जो चैप्टर था इसमें मधुमक्खियों के बारे में था, तो मधुमक्खियों के बारे में काफ़ी सारी बातें यहाँ से जानने को मिलती हैं इस चैप्टर से। मैं आपको बता देता हूँ कि एक छत्ते में एक रानी मतलब सॉरी एक रानी मधुमक्खी होती है। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं मधुमक्खियों की कि एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होगी जो क्या करती है, अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं, ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का नाच करती है, तो ये एक विशेषता है आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जब जैसे किसी भी मधुमक्खी को रस मिल जाता है, फूल मिल जाता है, तो वो क्या करती हैं, एक तरह का डांस करती हैं। ठीक है, तो ये वहाँ की विशेषता है, ये आप याद रखिएगा। उसी से क्या पता लगता है, वो एक तरह का नाच करती हैं, दूसरी मधुमक्खियों को वहीं से पता लग जाता है कि वहाँ पर रस है। ठीक है, तो शहद बनाती हैं वो उस रस से, और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, बच्चों का पालना भी, ना छत्ता बनाए और ना ही शहद इकट्ठा हो। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेता हूँ मैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते, तो मतलब ये भी एक तरह की विशेषता है। मधुमक्खी के अलावा और भी जैसे कीड़े होते हैं जो समूह में रहना पसंद करते हैं, जैसे चींटियाँ, चींटियाँ भी क्या करती हैं, मिलजुल कर रहती हैं, और चींटियों में भी ये विशेषता पाई जाती है कि उसमें एक रानी चींटी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, और जो सिपाही चींटी होती है वो बिल का ध्यान रखती हैं, मतलब ये सारी कुछ विशेषताएं हैं। इसके अलावा दीमक है, ततैये हैं, जो भी समूह में रहते हैं। ठीक है, ये भी सारे जो वो हैं समूह में रहते हैं। और देख लेता हूँ मैं क्या कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए यहाँ से बस कितने केवल इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था। यहाँ पर चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 को मैं कवर कर चुका हूँ, और ये है कक्षा 4 के। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसके बाद में अगले जो चैप्टर हैं वो उनको कवर करूँगा। और आपसे यहाँ अगर आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पहली बार आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।